दिग्रस के विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल में हाल ही में एपीजे कलाम फोरम और शिरीन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित करियर काउंसलिंग तथा मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली के आईएएस कोच प्रोफेसर समीर सिद्दीकी ने उपस्थित विद्यार्थियों को काबिले तारीफ अंदाज में मार्गदर्शन किया। आज का दौर केवल ज्ञान और सूचना इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के दम पर अनोखे कौशल से दुनिया के लिए उपयोगी बने रहने का है। जो कोई अपने क्षेत्र में नई सेवा या उपयोगिता सिद्ध करेगा, आने वाले समय पर वही राज करेगा। इस आशय का प्रेरक विचार दिल्ली के आईएएस कोच तथा मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर समीर सिद्दीकी ने किया। दिग्रस शहर के विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल में बीते शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। कोई एक चीज ले लो, जो चाहिए वो ले लो, और ये पानी की बोतल ले लो या तो ये ले, मुझे आग लगा के दिखाओ, है ना सर? पानी है सर, इससे आग थोड़ी लगती है सर, हमारे दिग्रस में तो इससे आग बुझाते हैं सर। तो किस बच्चे का सिलेक्शन होता है मालूम? उससे पूछते हैं कि ये पानी से आग लगा सकते हो? कहता है हाँ। कहते कैसे? कहता बाहर चलो। बाहर ले जाता है और इस पानी को सूरज की रोशनी में लेंस की तरह पकड़ता है, और इससे सूरज की रोशनी गुजार कर एक पेपर पे फोकस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चश्मे से नहीं फोकस होती, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं फोकस होती, उससे बॉटल पकड़ के, बहुत अभी तो बादल है अभी नहीं होगा, लेकिन जब बहुत जोर से सूरज चमकता है तो वो बॉटल को एडजस्ट करके, जब तक सूरज की रोशनी कागज ना जला दे वो एडजस्ट करता है और आग लग जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ने वाले को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन अपने पढ़े हुए पर सोचने वाले को दुनिया की हर नौकरी हर पोस्ट मिलती है। मालूम हो कि स्थानीय डॉक्टर एपीजे कलाम फोरम शिरीन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से करियर काउंसलिंग तथा मेधावी विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर के अधिवक्ता एडवोकेट फिरदौस मिर्जा ने की। एडवोकेट फिरदौस मिर्जा ने उपस्थित विद्यार्थियों का मौलिक मार्गदर्शन करते हुए मुस्लिम समाज के विकास में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। तो आज यहाँ के समाज सेवक है, उनसे सबसे ज्यादा मेरी एक इल्तिजा रहेगी कि देखिए, आज कम्युनिटी का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन जो है वो फोर्सेस में है, इंडिया के पुलिस में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, और सबसे ज्यादा जो भर्ती होती है इन्हीं डिपार्टमेंट्स में होती है। तो क्या करें, वक्फ की बहुत सारी जमीनें हैं, मस्जिदों की जमीनें हैं जिन पे लोगों ने कब्जा करके बैठा है, तो हमको हर तालुका प्लेस पर एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसके लिए बहुत पैसा नहीं लगता। इस कार्यक्रम में दिनभर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष तथा पूर्व नगर अध्यक्ष विजय कुमार बंग, व्यसन मुक्ति सम्राट हरिभक्त परायण मधुकर राव खोड़े महाराज, तहसीलदार डॉक्टर अर्जुन पावरा, एडवोकेट शेख अशफाक, पुसद के पूर्व उपनगर अध्यक्ष कौसर खान आदि मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न परीक्षाओं में प्रवीणता प्राप्त विद्यार्थियों के साथ ही स्पर्धा परीक्षाओं में सफलता और पदोन्नति अर्जित करने वालों का भी सत्कार किया गया। उन्हें सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया। सेल टैक्स निरीक्षक के लिए चयनित आसमा कयूम शेख और विस्तार अधिकारी पद पर नियुक्त फिरोज महबूब शेख का भी सत्कार किया गया। कार्यक्रम का आगाज दिव्य कुरान की आयत से किया गया, वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम की प्रस्तावना शिरीन मेमोरियल ट्रस्ट की नरगिज मोहम्मद अधिक ने और एपीजे कलाम फोरम के अफजल बेग इन्होंने रखी। कार्यक्रम का संचालन अमीन चौहान सर ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फोरम के अध्यक्ष फिरोज खान और अन्य पदाधिकारी सहित सदस्यों ने योगदान दिया है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।